बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे और सबके खूबसूरत से चैनल हिंद कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द वो पार्ट देखिए, और उसमें से जो बेसिक मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बताए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है, जाके आप देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत जो बची हुई प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वहां आपको वीडियो मेरे इसी चैनल से मिल जाएंगे, ठीक है। आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल नहीं एक परिवार है, आपको सभी लोगों को इस परिवार के साथ जुड़ना है। तो ज्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज यानी आइडियल फंक्शन की क्या बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि इसमें भी थोड़ी प्रॉपर्टीज रह गई हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हम जो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे आज फर्दर उसी पर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज में जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y की क्या फार्मूला क्या होता है, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग वहां जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अब हम आईटीएफ की आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं यहां इस वीडियो में कि sin इनवर्स x + sin इनवर्स y is equal to क्या होता है, sin inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। ये sin inverse x plus sin inverse y का वीडियो होता है, ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूले की मदद से हम कोई भी sin inverse x plus sin inverse y की वैल्यू अगर हमको हटा करके sin inverse में लानी है तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर under root 1 minus y square लिखेंगे, फिर plus y लिखेंगे और under root minus 1 minus x square लिखेंगे। कैसे इसको प्रूफ करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, इसको इजीली हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके प्रूफ की बात करते हैं, तो हम इसका आरएचएस पार्ट उठाएंगे। कौन सा पार्ट उठाएंगे, आरएचएस पार्ट उठा लेंगे। आरएचएस पार्ट क्या है, साइन इनवर्स, आरएचएस पार्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और 5-5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, जब आप ध्यान से प्रश्न क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए मैं x को कुछ लेट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं लेट x इज इक्वल टू sin a, क्या मान लेता हूं लेट x इज इक्वल टू sin a। तो sin अगर मानेंगे तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी sin इनवर्स x, क्या आ जाएगी sin इनवर्स x आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं y sin y को sin b मान लेता हूं, y को क्या मान लेता हूं sin b मान लेता हूं, मैं sin a क्यों माना हूं, मुझे sin इनवर्स x और sin इनवर्स y लाना है, तो यहां से अगर मैं b निकालूंगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी sin इनवर्स y आ जाएगी। मतलब हम x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज मानते हैं जिससे हमारा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो वापस हमारे नोट के आ जाए, हमें sin इनवर्स x और sin इनवर्स y चाहिए, इसीलिए मैंने x बराबर sin a मान लिया है और y बराबर sin b मान लिया है। यहां से a की वैल्यू sin इनवर्स x और b की वैल्यू क्या मिल गई, sin इनवर्स y मिल गई है, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा sin इनवर्स, ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स हो जाएगा, x के प्लेस पे हम रखेंगे sin a इनटू अंडर रूट में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर b लिखेंगे, ठीक है। प्लस लगाएंगे, y की वैल्यू क्या है sin b है, y की वैल्यू क्या है अच्छा sin b है, अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है। ये आपको बात अच्छे समझ में आ रही होगी, मैंने केवल इसमें क्या किया है x और y की वैल्यू पुट कर दी है। अगर ध्यान से देखो तो ये तो sin इनवर्स रहेगा, ये sin a हो गया है, sin a हो गया है, इनटू अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर भी आपको पता है क्या होता है, कॉस भी होता है, आइडेंटिटीज की मदद से आप देख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा आप निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ साइन भी हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, इसको मैं स्क्वायर स्क्वायर रूट अभी नहीं ले रहा हूँ, स्क्वायर ही लगा के लिख रहा हूँ। अभी अगली नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो साइन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा, ये साइन ए ही रहेगा इनटू कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, कॉस बी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का कॉस बी हो जाएगा, प्लस ये साइन बी ही रहेगा, ये क्या रहेगा, साइन बी रहेगा इनटू कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं यहाँ से फार्मूला देखो तो लिखा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कुछ नहीं, बस ये आगे पीछे हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कॉस ए को पहले लिख लीजिए, साइन बी को बाद में लिख लीजिए, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको पता है किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, किसका फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा ए प्लस बी, क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। और आपको पता है कि ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, जबकि बी वैल्यू है साइन इनवर्स वाई है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमको प्रूफ करना था, यही हमारा क्या था, प्रूफ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ए प्लस बी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से प्रूफ समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया हो तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, जल्दी से मैं स्लाइड हो गया हूं। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का डेरिवेशन देखें कैसे प्रूव करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपको साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई का प्रूफ करना हो, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जो माइनस अगर यहाँ लग जाता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, अगर कभी भी हमसे पूछता है फार्मूला क्या होगा, तो होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जहाँ पर ये प्लस था वहां पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, फिर से इसका आरएचएस पार्ट उठा लेते हैं, कौन सा पार्ट उठा लेते हैं, आरएचएस पार्ट उठा लेते हैं। आरएचएस पार्ट क्या है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये इतना दिया, जैसे हमने अभी प्रीवियस पार्ट में मैंने क्या किया था, x बराबर sin a लेट कर लिया था और y बराबर sin b लेट कर लिया था, सिमिलरली वैसे ही आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट अभी मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि x बराबर मान लिया था sin a मान लिया था, y बराबर क्या मान लिया था, sin b मान लिया था। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन इनवर्स x आ जाएगी, जबकि b की वैल्यू यहाँ से कैंसिल की आ जाएगी तो b की वैल्यू साइन इनवर्स y निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स y निकल के आ जाएगी। अच्छा, साइन आपको x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो हम RHS में उठा के रख सकते हैं, RHS में उठा रखोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की वैल्यू, जब हम साइन a रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन a इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, वाई की वैल्यू क्या है साइन बी, वाई की वैल्यू क्या है साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, जहां तक आपको समझ में आया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी करना कुछ ज्यादा है नहीं, और इजीली आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं मानना है ऐसे क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलने वाले हैं और इजीली हो भी पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट हल्का सा करने की कोशिश करूँ तो आप ध्यान से देखिए, ये साइन ए है और ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस बी, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस बी आएगा, माइनस ये साइन बी ऐसे ही रहेगा, इसके बाद जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है कॉस ए होता है, तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए आ जाएगा। इसका मतलब हमारा फिर से एक फार्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला, इसका साइन का बचेगा क्या ए माइनस बी, क्या बचेगा ए माइनस बी ओनली बचेगा, तो ये बचा ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स है, ए की वैल्यू क्या दी गई है साइन इनवर्स एक्स दी गई है, माइनस बी की वैल्यू क्या दी गई साइन इनवर्स वाई दी गई है, साइन इनवर्स एक्स दी गई है ए की वैल्यू, साइन इनवर्स बी दी गई है वाई की वैल्यू।
तो यही हमारा क्या हो गया प्रूफ, क्योंकि हमें यही तो क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था। अच्छा ये नहीं कि आप RHS से LHS ला सकते हैं, आप LHS से भी RHS ला सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट आपको जैसे इजी बैठे वैसे सॉल्व करिए तो ज्यादा इजी रहेगा, इससे थोड़ा टफ बैठ सकता है इजी, इससे भी ऐसा नहीं है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ए माइनस बी लेना पड़ेगा, फिर दोनों साइड ए साइन ए लेना पड़ेगा, इजीली उससे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ मत करना, बस ए माइनस बी के दोनों तरफ क्या ले लेना है, साइन लेना है, फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देना है, तो वही निकल के आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो और इंपॉर्टेंट रह गई प्रॉपर्टी, वो कॉस इनवर्स वाली रह गई है, तब तक के लिए आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल नहीं है आपका परिवार है, और ज्यादा से ज्यादा मेंबर जो परिवार में होते हैं तो परिवार में यूनिटी रहती है, तो मैं कुछ आप लोग कोशिश करिए कि इस परिवार की यूनिटी बढ़ाइए, कि हम सब एक साथ मिल करके अपने चैनल को बाद में देखेंगे ग्रो करना है कि नहीं करना है, लेकिन आप सबकी एजुकेशन को ग्रो करना है, ठीक है, मेरा मकसद है आप सबको ग्रो करना, मेरा बस यही मेरा मेरी जिंदगी का सपना हमेशा रहा है आप लोगों की मदद करना, ठीक है, चैनल का चैनल को ग्रो करना वो तो आप सबके हाथ में है, आप चाहोगे तो किसी को भी ग्रो करा दोगे, चीज को चाहोगे उसे नीचे कर दोगे, बट वो तो एक अलग मैटर है लाइफ का, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि आप लोगों की मदद करना और आप लोगों को पढ़ाना, मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोगों नॉलेज लीजिए, उसके बदले में अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डिसलाइक का भी बटन है, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। थर्ड आप थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है cos इनवर्स x + cos इनवर्स y। अगर आपको बिल्कुल भी लगता है कि मैंने थोड़ी भी मेहनत की है तो उसका आप मुझे रिजल्ट दे सकते हैं, अगर आपका बिल्कुल मन हो तो, ठीक है, बिल्कुल, वैसे आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं लाइक और डिसलाइक का बटन दबाने के लिए, क्योंकि मैं आपके मोबाइल पे या नजर नहीं रख रहा हूँ, या आपकी मैं आईडी नहीं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। चलिए हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम केवल ये पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि cos इनवर्स x + cos इनवर्स जो y होता है वो cos इनवर्स xy - √1 - x² * √1 - y² इसको जरा ध्यान में रखना, कि sin वाले में क्या होता था x √1 - x² और प्लस √y √1 - y² y √1 - x² होता था, यहां थोड़ा चेंज है, cos इनवर्स x + cos इनवर्स y में पहले हम लिखेंगे xy और अगर यहां प्लस होगा तो हम माइनस लिखेंगे, अगर यहां माइनस होगा तो प्लस लिखेंगे। आपने cos a + b का फार्मूला पढ़ रखा होगा, cos a + b का फार्मूला क्या होता है, cos a * cos b - sin a * sin b, तो वैसे ही क्या होता है, ये xy इसलिए आए हैं क्योंकि दोनों cos a * cos b होता है, इसलिए xy आए हैं, फिर √1 - x² * √1 - y² चलो ठीक है, हम इसका RHS पार्ट लेते हैं, सॉल्व करते हैं। RHS पार्ट क्या दिया गया, RHS पार्ट दिया गया है cos इनवर्स x y - √1 - x² √1 - y² दिया गया है, तो यहां से आ जाएगा cos इनवर्स, अगर मैं यहां पर कुछ लेट कर लेता हूं, देखिए हमको cos लाना है तो मैं cos ही में लेट करता हूं, तो लेट कर लेता हूं x = cos a, कनेक्ट कर लेता हूं x = cos a, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x आ जाएगी, और y = नेट कर लेता हूं cos b, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी cos इनवर्स y आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं x और y की वैल्यू RHS में रखता हूं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा cos a आ जाएगा into y की जगह पे क्या आ जाएगा cos b आ जाएगा minus under root 1 minus cos square a हो जाएगा into under root 1 minus cos square b हो जाएगा, इसमें तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, cos इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ये cos a भी ऐसे ही रहेगा into cos b भी ऐसे ही रहेगा, बस अगर मैं देखूं ध्यान से तो under 1 minus cos square a क्या होता है, अगर आइडेंटिटीज की मदद लेते हैं, सब समीकरण की मदद लेते हैं, तो हो जाएगा sin square a into under root क्या हो जाएगा sin square b हो जाएगा, क्या हो जाएगा under root sin square b हो जाएगा। अगर मैं इसको इसके square root ले लेता हूं तो हो जाएगा cos inverse, क्या हो जाएगा cos inverse cos a into cos b माइनस साइन स्क्वायर ए का, आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है साइन ए होता है, जबकि साइन अगर बी का पूछे स्क्वायर बी का पूछे तो साइन बी होता है, ये फार्मूला बन गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, तो आपको हो गया सर ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है, किसका होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा ए माइनस b बच जाएगा, क्या बचेगा a माइनस b बचेगा, a की वैल्यू यहां से देखते हैं, a की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x है, b
बी की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स वाई है, तो यह आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस माइनस कॉस इनवर्स वाई आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी चौथी प्रॉपर्टी है वो आप खुद ट्राई करिएगा, या मैं ऐसा करता हूँ मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चौथी प्रॉपर्टी है क्या, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको चीजें समझ में आ जाए। चौथी प्रॉपर्टी में यहाँ हो सकता है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर cos इनवर्स y, मतलब cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा, बाकी जैसे का फार्मूला वैसे ही लिखा रहेगा। इसको प्रूफ करने के लिए फिर से हम RHS पार्ट उठाएंगे, और RHS में हमको पता है यहाँ पर माइनस नहीं क्या है, प्लस है। सिमिलरली ऐसे लेट x बराबर cos a मान लेंगे, y बराबर cos b मान लेंगे, यहाँ से a की वैल्यू cos इनवर्स x आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स y आएगी। अब यहाँ से फिर से हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे, यहाँ भी क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और यहाँ a प्लस b आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला हो जाएगा cos a, अगर यहाँ सॉरी पिछले में थोड़ा सही कर लीजिए, पिछले में ये फार्मूला जो था जो माइनस वाला था, ये cos जो a माइनस b है, cos से cos a into cos b माइनस का जब होता है क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। तो ये पहले वाले का प्रूफ था, किसका था, पहले वाले का प्रूफ था। तो अगर मैं इसको प्लस कर लूंगा, अगर मैं इसको क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, तो ये हो गया cos a into cos b plus sin a into sin b, cos a minus b, किसका फार्मूला होता है, cos a minus b, थोड़ा उसको इंप्रूव कर लीजिएगा, पीछे हमने जो बताया था थर्ड वाला, तो उसमें मैंने यहाँ पर प्लस लिखने की बजाय माइनस लिख दिया है, इसमें प्लस है तो यहाँ पर अगर cos a into cos b plus sin a into sin b, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, जो कि हमारा ये क्या है, इस फार्मूले का प्रूफ है, ये क्या हमारे फार्मूले का प्रूफ है। अगर उसमें कोई डाउट हो तो बता देना, इसमें केवल आपको थोड़ा इंप्रूव करना है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, ऐसा कॉस के केस में होता है, साइन के केस में ऐसा नहीं होता है, साइन में अगर प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होने वाला है। चलिए अगली प्रॉपर्टी जो और भी इम्पोर्टेंट है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं पहले आपको लिखाया दे रहा हूँ, ताकि इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ कि आने वाली सभी वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, मतलब आपको अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 6 से 7 वीडियो मिलने वाले हैं, ये मेरा थर्ड वीडियो है, और इस वीडियो में मैं सारी प्रॉपर्टीज खत्म कर रहा हूँ, मतलब पहले वीडियोस लगा के थर्ड वीडियो में मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, बट क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन इसके बाद जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपकी ओनली क्वेश्चंस बेस्ड होने वाली है, यानी एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं कराने वाला हूं। इसीलिए मैंने क्या किया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, अब आने वाली सारी वीडियोस में जितने भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं पूरे सॉल्व कराने वाला हूं, और जो एग्जाम्स पूछे गए वो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो इसीलिए आप हमारी हर वीडियो देखिए, बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको बताने वाला हूँ, जो बच्चा कुछ भी मैथ में नहीं जानता उसको भी मैं स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाऊँ, बस आप मेरे चैनल से साथ जुड़े रहिए, इस चैनल का परिवार, इस परिवार में आप लोग जोड़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और इस परिवार को बड़ा कर दीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहना चाहती है कि अगर कहीं 2 sin inverse x लिखा है तो इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 sin inverse x अगर कहीं लिखा गया है तो इसके कितने फार्मूले बन सकते हैं। तो पहला तो यह याद रखना कि पहला sin 2x का अपने फार्मूला पढ़ते होंगे कि sin 2x के दो फार्मूले पढ़ते थे, x 2 sin x into cos x, दूसरा फार्मूला पढ़ते थे 2 tan x upon 1 plus tan square x। इसी प्रकार अगर 2 sin inverse x है तो इसका पहला जो फार्मूला होता है, अगर पूछा जाए tan के टर्म में क्या होगा, किसके टर्म में tan, या फिर इससे पहले आप ये भी छोड़ दीजिए, मैं आपको इससे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो काफी ज्यादा पूछी जाती है, वो है 2 tan inverse x की, इसकी प्रॉपर्टी है 2 tan inverse x की प्रॉपर्टी है। अब 2 tan inverse x के sin inverse के टर्म में, cos inverse के टर्म में और tan inverse के टर्म में, तीन टर्म के फार्मूले पूछे जाते हैं, तो पहला लिखने वाला हूँ sin inverse के टर्म में, तो sin inverse के टर्म में याद रखना है sin inverse होता है 2x upon 1 plus x square होता है, कैसे होता है इसका प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा अगर cos के टर्म में पूछेगा, यानी cos inverse के टर्म में पूछेगा, तो ये होता है 1 minus x square upon 1 plus x square, अभी जो आपको बताने वाला था मैं अभी वो भी बताऊंगा, प्रॉपर्टी 2 sin inverse x की प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 tan inverse x की, क्योंकि इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट ये होते हैं, अगर sin inverse के टर्म में चाहिए 2 tan inverse, ये काम तब आएगी, ये काम तब आएगी जब हमें tan इनवर्स को रिड्यूस करना होगा sin इनवर्स में, या tan इनवर्स को रिड्यूस करना होगा cos इनवर्स में, या 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट करना होगा केवल tan इनवर्स में, मतलब 2 को गायब करना होगा, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मतलब यहां से हमें समझ में ये आ रहा है कि
tan inverse के तीन फार्मूले निकल गए हैं। एक sin inverse के टर्म में 2x upon 1 plus x square, cos inverse के टर्म में 1 minus x square upon 1 plus x square और tan inverse के टर्म में 2x upon 1 minus x square। ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके लिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें tan inverse को हमको जरूरत पड़ती है sin inverse के टर्म में निकाले या cos inverse के या tan inverse के टर्म में निकाले। इनका प्रूफ देखते हैं एक एक करके, बहुत आसानी से प्रूफ देख पाएंगे आप। तब तक के लिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो पहला प्रूफ करूंगा मैं इसके साथ, यानी 2 tan inverse x बराबर क्या प्रूफ करने वाला हूँ। तो 2 tan inverse x बराबर मैं प्रूफ करने वाला हूँ sin inverse 2x upon 1 plus x square। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखने के लिए आप फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 tan inverse x जो होता है, 2 tan inverse x जो होता है वो बराबर होता है sin inverse 2x upon 1 plus x square। कैसे होता है ये बहुत इजीली समझा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, समझना ये है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये 2 tan theta upon 1 plus tan square theta का फार्मूला लिखा है, हमें पता है कि 2 tan theta upon 1 plus tan square theta क्या होता है, sin 2 theta होता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, आप इजीली समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहां सबसे पहले मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट x is equal to tan theta। अच्छा, हमें x is equal to tan theta ही तो मानना होता है, theta या tan a आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम a भी मान ले तो a ही मान लेते हैं। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी tan inverse x। अच्छा, इसके पीछे रीजन भी है कि tan inverse में tan x यही भी माना है, क्योंकि मुझे लाना क्या है, tan inverse x ही लाना है, तो इसीलिए मैंने x बराबर tan a मान लिया। जब x बराबर tan a मानोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan inverse x आ गई। अब RHS पार्ट आप देख ही रहे हैं, RHS पार्ट आपके पास क्या अवेलेबल है, RHS पार्ट अवेलेबल है sin inverse 2x upon 1 plus x square। उम्मीद करता हूं चीजों को समझिए, ध्यान से सुनिए, मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस आपको चीजों को समझना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, sin inverse 2 tan a upon 2 tan a upon 1 plus tan square a आ जाएगा। ठीक है, जो tan a upon 1 plus tan square आ जाएगा। आपको पता है फार्मूला किसका होता है, तो ये फार्मूला होता है sin 2a का। आप ध्यान से पढ़ना, जाके sin 2a के तीन फार्मूले होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। sin 2a के दो फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये होता है 2 sin a into cos a, ये पहला फार्मूला होता है। दूसरा होता है 2 tan a upon 1 plus tan square, तो ये काफी इंपॉर्टेंट दो फार्मूले हैं इसके sin 2a के, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूले हैं। यहां से sin inverse sin 2a को sin को कैंसिल करेगा, तो यहां क्या बचेगा, केवल 2a बचेगा, 2 ऐसे ही रहेगा और a की वैल्यू कितनी है, tan inverse है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 2a tan inverse x आ जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 2 tan inverse x हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं कि दूसरा इसका प्रूफ क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो दूसरा भी पार्ट देख लेते हैं। इसका भी यहाँ तक मैं ये हटा रहा हूँ, जो गैर काम का वो हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी फिर से लेट करना पड़ेगा, टेन ही लेट करना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हो टेन ही क्यों लेट करना पड़ेगा, बिकॉज हमको टेन नहीं लाना है, तो हमको टेन ही लेट करना पड़ेगा। तो इसका जो cos inverse के टर्म में अगर लिखना होगा तो cos inverse लिखेंगे 1 minus x square upon 1 plus x square लिखेंगे, ये cos के टर्म में हो जाएगा। अब मैं अगर x बराबर tan a इसमें पुट कर देता हूँ, यानी इसका RHS पार्ट उठा लेता हूँ, RHS पार्ट क्या है, RHS पार्ट इज इक्वल टू cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ये क्या हो गया, इसका RHS पार्ट हो गया। अब इसका RHS पार्ट में अगर मैं x की वैल्यू tan a रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, tan a, तो ये हो जाएगा cos inverse 1 minus tan square a upon 1 plus tan square। ये इसका क्या हो गया, RHS पार्ट में वैल्यू रखने पर आंसर आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपको बताते हैं कि cos 2a के चार फार्मूले देखने को मिलेंगे। आपने पढ़ रखा होगा कि आइडेंटिटीज से, मतलब फार्मूले आपने पढ़े होंगे अगर 10th लेवल पे, तो आपने पढ़ा होगा cos 2a होता है, अगर नहीं भी पढ़ा है या तो अभी देख सकते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, पहला फार्मूला होता है। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होता है, और चौथा इसका फार्मूला होता है 1 माइनस tan square upon 1 plus tan square। अगर आप ध्यान से देखिए तो चौथा फार्मूला ही यहाँ पर सुटेबल बैठ रहा है, 1 minus tan square upon 1 plus tan square क्या होता है, cos 2a हो सकता है। तो cos inverse cos 2a, cos inverse से cos कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2a और 2, तो ऐसे रहेगा, a की वैल्यू क्या हो गई, tan inverse x हो गई। तो ये भी पार्ट हमने इजीली प्रूफ कर लिया है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो, अगर लगता हो कि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ अगर आपका मर्जी हो तो आप बिल्कुल करिए। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, अगर नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको कंटिन्यूस पढ़ाता रहूंगा, मैं अपना पूरा 100% आपको दूंगा। चलिए इसके थर्ड वाला भी देख लेते हैं कि टू का इनवर्स x = पावर क्या होता है। तो मैं इतना हटा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। तो अब इसका थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट प्रूव करना है tan इनवर्स के टर्म में क्या करना है, tan इनवर्स के टर्म में करना है। तो tan इनवर्स x बराबर जो होता है वो होता है tan इनवर्स 2x / 1 - x2। ये प्रूव करना है। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, हम x = tan a ही मानेंगे, ठीक है। तो x = मैंने tan ही लेट कर लिया है और a बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहां से अगर हम यहां पर RHS निकालें तो RHS वैल्यू हमको क्या दी गई है, तो RHS वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स 2x / 1 - x2। अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो ये तो tan इनवर्स रहेगा और ये हो जाएगा 2 tan a / 1 - tan2 है। तो यहाँ से अगर tan इनवर्स ऐसे रहेगा, ये फार्मूला आपको पता ही होगा कि आपने पढ़ रखा होगा 11th में, कि tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a / 1 - tan2 है। अगर आपको लगता है कि आपको फार्मूले याद नहीं हो रहे, आपको वक्त टप लग रहा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले आप हमको प्रूफ करा दीजिए, मैं आपको एक एक फार्मूला प्रूफ करा दूंगा कि साइन 2a, cos 2a, tan 2a, sin 3a, cos 3a, ये सब कहां से आते हैं, कैसे ड्राइव किए जाते हैं, मैं सारे फार्मूले आपको प्रूफ करा दूंगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई तकलीफ है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए, मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री, वैसे तो मेरे फर्स्ट ईयर का सेट चल रहा है, फर्स्ट ईयर में जैसे मैं सेट कंप्लीट करता हूं उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं, और जैसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा आप वहां से जाकर के ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। जल्दी आपके पास वो भी वीडियो आने वाले हैं, तब तक के लिए आप कोशिश करिए tan 2 = आपने 11th में इतना बेसिक पढ़ा ही होगा। tan 2 = 2 tan / 1 - tan2 a होता है, तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं tan 2 a लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 2a बचेगा और 2 ऐसे ही रहेगा और a की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका राइट जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो मैंने 2 tan इनवर्स x के तीन पार्ट देखे, sin इनवर्स के टर्म में, cos इनवर्स टर्म में और tan इनवर्स के भी टर्म में देखे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें अब आपको हम बता देते हैं, इसमें ज्यादा आपके ये सब फार्मूले बचे नहीं, इतने फार्मूले से लगभग लगभग आपकी पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक आधे प्रूफ और दिखाता हूं जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको एक फार्मूला जो काफी बार पूछा गया है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी बोलते हैं या उसे बोलते हैं फार्मूला ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से फार्मूला क्वेश्चन बोल सकते हैं, मतलब वो क्वेश्चन ही ऐसे डायरेक्टली पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है 3 tan इनवर्स x का पूछा गया है, 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स tan 3x - x³/1 - 3x² है। ये फार्मूला हमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि 3 tan इनवर्स जो होगा, अभी हम 2 tan इनवर्स का देख लेते हैं और 3 tan इनवर्स का भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको दिया है। बाकी इसके बाद जो आपकी वीडियो आने वाली है वो एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस में लेने वाला हूं, मतलब उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। और आपको बता दूं कि इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मैंने जो तीनों वीडियोस बनाई है, तीनों वीडियो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू सिखाई है, प्रॉपर्टीज भी सेकंड में सिखाई है, क्वेश्चंस भी कराए हैं, इसलिए प्रॉपर्टीज सिखाई है और एक आधे क्वेश्चन भी ले रहा हूं। इसके बाद वाले में मैं एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब कराने वाला हूं और एग्जाम्स में जो पूछे गए वो भी कराने वाला हूं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x = हम क्या करते हैं tan इनवर्स a लेट tan a लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं tan a लेट कर लेते हैं। तो यहां से हमको a की वैल्यू तो मिल ही जाएगी, क्या मिल जाएगी tan इनवर्स x मिल जाएगी। ये क्वेश्चन ही समझ लीजिए, प्रॉपर्टी में इसको ना रखिए, इसको क्वेश्चंस में रख लीजिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इसका RHS पार्ट उठा लेता हूं, RHS पार्ट उठाने पर मुझे पता चलता है ये tan a ही क्यों माना, क्योंकि मुझे tan इनवर्स लाना है। तो यहां से ये हो जाएगा 3 tan a, अगर मैं वैल्यू ना रखकर पहले क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं, 3x - x³/1 - 3x² अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट करता हूं tan a, तो ये हो जाएगा 3 tan a - tan³ a, क्या हो जाएगा 3 tan a - tan³ a / 1 - 3 tan² a / 1 - 3 tan²
ये हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स तो ये 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a। आपको पता है इसका फार्मूला, अगर नहीं पता है तो फार्मूला ही होता है, इसका प्रूफ आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा। 3 tan 3 is equal to होता है 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a। ठीक है, आपको जो 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके वीडियोस में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के प्रूफ मिल जाएंगे और सब बेसिक से हाई लेवल तक उसमें आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan 3a, ये निकल के आ जाएगा 3a और 3a का मतलब है 3 into tan inverse x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, हम मुझे आपको लगता है कि हाँ मैं समझ सब चीजों को समझ सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आपको मैं कोशिश करूंगा पर डे वीडियो प्रोवाइड कराऊँ और इसी चैनल के ऊपर आपको मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट मिलेगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम है तो इसीलिए मैं आपको मैथ का प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे ही मेरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो पाता है मैं आपको केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तब तक आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते रहिए, लेकिन मैथ के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कराऊंगा और 100 में से 100 मार्क्स जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक मैं मेहनत करता ही रहूंगा। चाहे अनसॉल्व के क्वेश्चन कराने पड़े, चाहे प्रीवियस ईयर के ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कराने पड़े, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपका प्यार हम पर बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद।